हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एंगल्स. ओके, आपने पहले भी देखा है राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल. तो ये देखो, यहाँ पे लिखा है लुक एट द क्लॉक्स गिवन बिलो. वेदर राइट वेदर द हैंड मेक अ राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल इन द बॉक्स गिवन बिलो. तो आपको देखो, ऊपर पहले से ही इमेज दे दिया है कौन सा राइट एंगल है, कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है. तो आप नीचे की इमेज को देख के पता लगा लो एंड यू हैव टू सेंड दिस. ओके, ये आपकी एक्टिविटी है, यू हैव टू फाइंड दिस. ठीक है, नेक्स्ट वन इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. इधर आपको नेमिंग करना है जो आप पहले भी कर चुके हो, पर मैं यहाँ पे आपको हेल्प आउट कर देती हूँ. एक आपको करके दिया है, नेक्स्ट वन हम करेंगे एंगल क्या दिया है, एल एम एन. तो एल एम एन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक एंगल एल एम एन और एन एम एल. दो तरीका है एंगल लिखने का. इसका वर्टाइसेस मतलब, वर्टेक्स मतलब जो उसका पॉइंट होता है, दो एंगल का जो पॉइंट होता है उसे हम मिड पॉइंट बोलेंगे. तो यहाँ पे मिड पॉइंट है एम. और इसके आर्म मतलब जो उसके साइड में है, जैसे कि एम एल और एम एन, ये दोनों उसके क्या है, आर्म्स ऑफ द एंगल है. ठीक है, सेम एट इज एज इट इज़ हम नीचे वाला भी करेंगे. एंगल एस टी एस यू टी और एंगल टी यू एस, इस एंगल का वर्टेक्स क्या है, दैट इज यू, और इसका आर्म्स है यू एस एंड यू टी. ओके, अभी यहाँ पे प्रोटेक्टर क्या होता है, अ प्रोटेक्टर इज यूज टू, इधर मैं आपको पहले ही एक ब्रीफ, ये बहुत कुछ यहाँ पे लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसे कैसे समझा जा सकता है. ये आपको जो दिख रहा है वो उसे हम प्रोटेक्टर बोलते हैं. प्रोटेक्टर यूज होता है हमें कुछ चीज़ को मेजरिंग करना, कुछ डिग्री में लाना, एंड ये एक परफेक्ट फिगर भी देता है. अगर हमें कुछ एंगल बनाना है वहाँ पे ये यूज होता है. एंड दिस, इसमें ना इतने सारे नंबर्स है, ये आपको एंगल्स फॉर्म होता है, जैसे कि हमारा एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल. तो अब जहाँ पे आप, जब आप ये प्रोटेक्टर पकड़ोगे तो आप ये देख सकते हो कि ये एक सेमी सर्कल शेप में है. ठीक है, ये क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज भी घूम रहा है. यू कैन सी देर आर सो मच ऑफ नंबर, दैट इज 0, 10, 20, 30, 40, 50, टिल 180 इट इज देर. फिर से वो रिवर्स ऑर्डर में भी, दैट मीन्स इट इज़ क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज. इसका मतलब ये होता है कि वो इधर से भी जा रहा है और इधर से भी जा रहा है. अभी इसको हम रीड कैसे करेंगे, जो आपको 90 दिख रहा है वहाँ पे, ये जो आपको 90 दिख रहा है वहाँ पे, उस 90 में जो इस पार्ट पे होता है, जो 90 यहाँ पे, तो जो ये पार्ट्स वाले हैं वो सब हमारे एक्यूट ट्रायंगल है. ओके, ये सब हमारे एक्यूट ट्रायंगल है. और जो इस पार्ट में है वो सब हमारे ऑब्ट्यूज एंगल है. जो 90 के इस तरफ जाता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, जो 90 के इस तरफ जाता है वो सब हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं. ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेजरिंग हुआ है, वो देखो 90 डिग्री बता रहा है और एक 50 डिग्री बता रहा है. तो हम काउंट कैसे करते हैं, हमें कभी भी ना उसके जो अंदर वाले जो नंबर्स होते हैं, जो बाहर नंबर्स है 100 वो सब नहीं देखना, जो अंदर वाले में नंबर्स होते हैं वो हमें देखना होता है इस प्रोटेक्टर में. यहाँ पे 50 डिग्री देखो मेजर किया है, तो 50 डिग्री के कौन से एंगल में बन गया, एक्यूट एंगल में. यहाँ पे देखो 105 डिग्री मेजर किया है, देखो. एंड हियर सी 55 डिग्री मेजर किया है. तो ये एंगल्स फॉर्म करता है प्रोटेक्टर के थ्रू. ठीक है, मेजर द एंगल गिवेन बिलो एंड राइट द मेजर्स इन द गिवेन बॉक्स. आपको प्रोटेक्टर लेना है, आपको इस पॉइंट पे रखना है और आपको मेजर करना है कि ये कितने डिग्री का है, वो आपको यहाँ पे लिखना है. यू कैन डू दिस विद योर प्रोटेक्टर. ओके, ओपन योर बुक एंड सी दिस एंड यू हैव टू राइट दिस आंसर. नहीं, नाउ टाइप्स ऑफ एंगल. एंगल कौन सा है, राइट एंगल है. राइट एंगल कौन सा है, ए बी सी इज अ राइट एंगल. एंगल ऑफ मेजर्स 90 डिग्री, जो 90 डिग्री मेजर करता है उसे हम राइट एंगल बोलेंगे. एक्यूट एंगल, एन एंगल विच मेजर्स लेस देन राइट एंगल, जो राइट एंगल से कम हो,
अभी मेजर राइट एंगल से कम, मतलब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, अभी 90 डिग्री से जो कम रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, एक्यूट एंगल, लेस देन बोला है ना राइट एंगल, उसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। ऑब्टूज एंगल में एन एंगल मेजर्स मोर देन राइट एंगल, राइट एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से सबसे बड़ा क्या होएगा, दैट इज 100, 110, 120, वो हमारा मोर देन हो गया, 90 से बड़ा, तो वो हमारा ऑब्टूज एंगल होता है। ओके, वही यहाँ पे डेफिनेशन दिया है। अब यहाँ पे क्या दिया, पैरेलल्स एंड परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस यहाँ पे दिया है। देखो क्या है, द बार ऑन द विंडोज इन द पिक्चर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, जो बार है विंडोज के, जो रॉड्स है वो एक दूसरे से पैरेलल है, पैरा मतलब इक्वली है। द स्टेप्स ऑफ द लैडर इन द पिक्चर आर पैरेलल टू ईच अदर, जो पैरेलल मतलब जो स्टेप्स है वो भी एक दूसरे से पैरेलल ना ऊपर नीचे है। द वर्टिकल ऑफ द लैडर, वर्टिकल मतलब जो उसकी डंडी है वो भी एक दूसरे से पैरेलल है। यहाँ पे पैरेलल का आपको कॉन्सेप्ट बता रहा है कि पैरेलल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। ओके, बाय।